जा रहा है दही हंडी का एक कार्यक्रम, और हम सब हर साल उत्सुक रहते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं। अभी इस साल में मेरी जो भतीजी है वेदिका, उसको भी दिखाना चाह रही थी। और राम कदम जी का ये इतना बड़ा, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं लोगों की, लोगों के लिए। यहाँ की जो जनता है घाटकोपर की, इतनी सारी बातें सुनी मैंने, तो ये सुनकर तो मुझे लगता है यहाँ की जनता इनको पूछती ही होगी। तो बहुत, अरे मैं तो चिंचपोकरी में रहती थी, तो वहाँ की क्या दही हंडी हुआ करती थी वहाँ, उस वक्त से लेके अभी तक, चाहे वो, मतलब मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, तो दही हंडी से लेके गणेश चतुर्थी, आप जो बोलो, दिवाली हो, कुछ भी हो, तो सारे ही जो फेस्टिवल्स हैं उनसे मैं काफ़ी जुड़ी थी, क्योंकि मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या मोटा मोटा जल्लोष मध्ये आज साजरा होतो इथे राम कदम साहेबांच्या घाटकोपर ठिकाणी, आणि आज मी इथे आले आणि आता मी पळते, कारण मला दुबईला जायचं उद्या। आशाताईंचा वाढदिवस आहे, 90वा वाढदिवस, तर आता जसं साहेब म्हणाले की दरवर्षी मी येणार, तर तुम्ही मला दरवर्षी इथे बघणार, पण खरोखर मी म्हणता नाही का, मी चिंचपोकळीमध्ये मधून जुहूला पोचले, पण चिंचपोकळीची दही हंडी व्हायची ती मला थोडीफार म्हणजे आठवणीत आहे, पण आता म्हणजे दरवर्षी मी बघते, दरवर्षी कुठल्या ना कुठल्या दही हंडीमध्ये मी जाते। ह्यावर्षी इथे मला साहेबांनी बोलवलं आणि मला वाटतं तितकाच जल्लोष, तितकीच एक्साइटमेंट असते दरवर्षी, हो मला दरवेळेस येते, दर सणाला येते।